बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। आठ संख्याओं का औसत 20 है। पहली दो संख्याओं का औसत 15 सही 1/2 तथा अगली तीन संख्याओं का औसत 21 सही 1/3 है। यदि छवीं संख्या सातवीं से चार कम है तथा आठवीं से सात कम है तो आठवीं संख्या क्या होगी, इसको हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमसे इस पहली वाली लाइन को हम बाद में देखेंगे। पहली दो संख्याओं का औसत, तो इन दो संख्याओं का योगफल निकालना हो तो इसमें दो से इंटू कर देंगे 15 सही 1/2 में। फिर उसके बाद तीन संख्याओं के बारे में, दो के बाद तीन संख्याओं के बारे में और बताया जा रहा है कि इनका औसत जो है वो 21 सही 1/3 है। तो तीन से इंटू करके इनका भी योगफल आ जाएगा। तो इस तरीके से तीन और दो पांच संख्याओं का योगफल में मालूम हो चुका है। छठी संख्या हम x मान लेंगे तो सातवीं के बारे में बताया गया है कि सातवीं से छठी अगर चार कम है तो ऐसे भी कह सकते हैं कि सातवीं संख्या छठी से चार ज़्यादा होगी, तो सातवीं संख्या हो जाएगी x प्लस 4 हो जाएगी। और इसी तरीके से जो आठवीं संख्या होगी वो उसके बारे में कहा जा रहा है कि छठी संख्या जो है आठवीं से सात कम है, या दूसरे शब्दों में कहें कि आठवीं संख्या छठी संख्या से, छठी संख्या x है तो इससे सात ज़्यादा होगी, ऐसे भी कह सकते हैं। और इन आठों संख्याओं का योगफल ऐसे निकाल सकते हैं क्योंकि आठों संख्याओं का औसत 20 है, तो आठ से मल्टीप्लाई कर देंगे इस 20 का। तो इस तरीके से आठों संख्याओं के योगफल जो हम दूसरे तरीके से भी निकाल रहे हैं, दोनों को इक्वल करके एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। उसके बाद हमसे आठवीं संख्या पूछी जा रही है तो आठवीं संख्या एक्स प्लस 7 हम बता देंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 टाइम्स तो हो जाएंगे एक्स, तो 3x प्लस हो के यहाँ पर लिख दिया हमने। बाकी आप कैलकुलेशन ऐसे करें कि ये इसका ट्वाइस करें, यानी ये 15.5 है, 15 का दुगुना तो 30 होगा और आधे का दुगुना 1 हो जाएगा, तो 30 में 1 जोड़ के ये 31 हो जाएगा। प्लस ऐसे यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 और ये 6 हो जाएगा, यानी 63 हो जाएगा। 21 में मल्टीप्लाई करेंगे 63, और जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कैंसिल हो के 1 आ जाएगा। इस 63 में 1 ऐड होके 64 लिख देंगे। इसको हम अलग से भी बता दे रहे हैं, जैसे अभी हमें मल्टीप्लाई करना था 3 में 21 होल 1/3 का, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 21 + 1/3। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 का जब इसमें इंटू हुआ 63 मिला, प्लस 3 × 1/3 हुआ, 3 से 3 कैंसिल, 64 में 1 ऐड होके ये 65 हो गया, ये सॉरी 63 में 1 होके 63 में 1 ऐड हो गया 64 हो गया। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर पहले ही कर दिया था, और इन तीनों x को ऐड करके 3x कर लिया था, और बाकी ये 11 हो चुके हैं और उनका इंटू करेंगे तो ये 160 हो जाए, 8 × 16 एक 0 लगा दिया। तो 3x प्लस इन तीनों संख्याओं को, तीनों नंबर्स को हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेंगे तो ये हो गया 5 और 6 हो गया, और इनको ऐड करेंगे तो ये 10 हो गया, और 160 है ये। तो 3x की वैल्यू यहाँ से 160 में से 106 को माइनस करेंगे जो कि 54 के इक्वल आ जाएगा। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारा 3x जो है वो आ गया 54 के इक्वल। तो 54 के इक्वल आया, तो इसमें x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 54 में 3 से डिवाइड कर देंगे, ये 18 आ जाएगा, 8x = 18। लेकिन हमसे पूछी गई थी आठवीं संख्या क्या होगी, तो आठवीं संख्या को हम लोग फाइंड करेंगे जो कि x प्लस 7 है। देख लेंगे शुरुआत में, तो इसमें 18 में हम 7 ऐड करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये आंसर आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वा आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।